वन प्लस नॉट थ्री। हाँ गाइज, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वन प्लस की तरफ से वन प्लस का नॉट थ्री जो है वो इंडिया के अंदर आने वाला है, और इस वक्त हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि यहाँ पर जो वन प्लस का नॉट थ्री है वो कब आपको इंडिया के अंदर देखने मिलेगा, क्या प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर जो ये वीडियो है थोड़ा लेट नाइट बन रही है, दैट्स वाई मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब सो रहे होंगे, दैट्स वाई यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो बात करूँगा, इसमें थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वन प्लस की तरफ से वन प्लस के नॉट थ्री के बारे में। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर इस फोन की जो बिल्ड डिज़ाइन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। प्राइस एंड लॉन्च के बाद में बात करेंगे, तो जो इसकी बिल्ड की बात कर रहा था मैं, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। वैसे वन प्लस का जो नॉट वन था, नॉट टू भी था, नॉट टू टी भी था, ये तीनों स्मार्टफोन में जो डिज़ाइन है ना वो वन प्लस ने अच्छे ही दिए, मुझे तो किसी का भी मतलब बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा तीनों का। अब इस बार भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको देखने मिलने वाला है। अगर मैं डिस्प्ले में आ जाता हूँ, तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक 6.43 इंच का एक फुल HD पर डिस्प्ले वाला एमोलेड पैनल, फ्लूट एमोलेड कहता है वन प्लस उसे। और यहाँ पर इस बार बोले जा रहा है शायद से सेंटर पंचो मिल जाए, क्योंकि आप लोगों जब से आए सेंटर पंचो एक बार तीनों फोन में नहीं मिली, साइड पंचोली मिल रही थी, बट हो सकता है इस बार आपको सेंटर पंचोल देखने मिल जाए। और यहाँ पर 120 फिशिंग रेट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार नॉट टू टी में भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो 90 रिफ्रेशिंग रेट मिला, बट इस बार जो है 120 दिया जाएगा। तो बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया होने वाली है। डिस्प्ले में तो अच्छा है, चिपसेट में बात कर ली जाए अब, तो यहाँ पर जो चिपसेट है परफॉर्मेंस के मामले में जो है वो आप लोग को बहुत ज़्यादा तगड़ा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा चिपसेट स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 वाला चिपसेट देखने मिल सकता है। अब देखिए ये जो चिपसेट है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तगड़ा है, गेमर्स के लिए तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कहाँ कहीं कहीं लीक्स ये भी है कि डायमेंसिटी का 8100 वाला चिपसेट भी देखने मिल सकता है। तो अब जब कंफर्म होगा तो हम तो आप सब वीडियो शेयर ही कर रहे हैं कब से, जब तक अपडेट आते रहेंगे आपको, कोशिश करेंगे अपडेट की वीडियो भी आते रहें, तो वो है ठीक है। अब कंफर्म तो नहीं, बट दोनों चिपसेट तगड़े हैं, बट स्नैपड्रैगन का चिपसेट आता है तो ज़्यादा बेटर होने वाला है। चलिए कैमराज में आ जाता हूँ, तो मेन कैमरा यहाँ पे 50 पिक्सल का देखने मिल जाएगा, जो सोनी का सेंसर होगा ठीक है, OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा उसमें, सोनी का जो 766 वाला सेंसर है वो वाला, देन अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा आपको, 8 MP का एक माइक्रो लेंस भी देखने मिल जाएगा, तो डेप्थ सेंसर मिलेगा, तीन कैमरा मिलेंगे। सेल्फी में बात कर लेता हूँ, तो 32 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से 1080p बना पाओगे, रियर से 4K कर पाओगे। बैटरी में चले आ जाते हैं, तो बैटरी जो है यहाँ पर आपको जो 4500 mAh की बैटरी मिल जाने वाली है प्लस टाइप सी, एंड यहाँ पर आपको 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई लीक्स आई हैं जिसमें बोला जा रहा है 120 वोल्ट आपको देखने मिले। तो भाई डेफिनेटली अगर होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, और आई थिंक इंडियन मार्केट में भी ऐसे और अच्छे स्मार्टफोन आने चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यूएम अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो एंड्रॉयड आपको 13 जब तक आ गया, एंड्रॉयड 13 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, एंड ये आपको ऑक्सीनोवस के साथ रन करने वाला है। ये है पूरा यहाँ पर वन प्लस की तरफ से वन प्लस का नॉट थ्री, एंड डेफिनेटली मुझे फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा पिछली बार से अगर आप लोग देखोगे तो, इंप्रूवमेंट्स बहुत करी यहाँ पर वन प्लस ने। अब मैं फाइनली बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके जो प्राइस एंड लॉन्च के बारे में, तो भाई देखिए इस फोन का जो प्राइस कहा जा रहा है ना, इंडियन मार्केट में इस फोन का प्राइस अराउंड जो है वो 30,000 से अब होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो वन प्लस नॉट हो या नॉट टू हो या नॉट टू टी हो, तीनों जो स्मार्टफोन्स थे उनकी जो प्राइस थे अगर आप लोग जाओगे देखोगे तो वो जो बेस वेरिएंट आता था वो 30,000 रुपये के नीचे ही आता था। बट इस बार जो है ना वन प्लस अपने नॉट टू नॉट थ्री को लेकर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि इसमें फीचर्स भी एक्स्ट्रा किए गए तो बनता है। तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट भी स्टार्ट होगा ना वो अराउंड 30,000 रुपये के ऊपर से स्टार्ट होगा, तो अगर आप लोग लेने वाले हो तो भाई अच्छा कैश जो है ना वो अच्छे से रखना है ठीक है। चलिए फाइनली अगर EMI में ले रहे हो तो जब भी पैसा तो लगता ही है यार, तो फाइनली अब बात कर ली जाए कब आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना इंडियन मार्केट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ़ोन जो है वो आप लोगों को अराउंड मिलने वाला है अक्टूबर के मंथ में। हाँ अभी बहुत टाइम, मतलब देखिए अभी जुलाई तो ख़त्म अभी हुआ भी नहीं है, मतलब कुछ दिन बचे हैं, एक दिन बचा। चलिए जुलाई ख़त्म हो गया, समझ लेते हैं अगस्त सितंबर 2 महीना है अभी तो, और यहाँ पर अगर 2 महीने आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं, 2 महीना नहीं 3 महीना समझ लो, क्योंकि आने आने में वन प्लस का भरोसा मत करना, तो क्योंकि नॉट टू टी को भी इतना टाइम लगा दिया था उन लोगों ने, डिले कर दिया था, तो हो सकता है ये भी डिले हो जाएगा। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हो तो भाई यार याद रखना अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नॉट टू टी अभी 1 जुलाई को लॉन्च हुआ था बीच में, तो मुझे लगता है इतनी जल्दी आने वाला है। तो अगर इंतज़ार कर रहे हो तो आराम से करो और फ़ोन अच्छे पैसे ऐसे जमा कर लो, अच्छे आने वाला है फ़ोन, बढ़िया होने वाला है। मुझे तो फ़ोन अच्छा लगा, अराउंड अगर 31,000 से 30,000 से भी चालू करते हैं ना तो देखने वाला फ़ोन होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफर्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और वन प्लस नॉट थ्री के रिगार्डिंग आप वन प्लस नॉट थ्री के रिगार्डिंग कोई अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने रहो, हमारा चैनल को जो है वो बेल आइकन को जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली वीडियोज़ कम से कम एक लेकर आएँ, बट आजकल थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है,
बट यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो मुहर्रम शुरू हो गए उसका थोड़ा सा यहाँ पर हमें शायद हम कभी कभार डेली अपना वीडियो बना पाए, बट पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को कम से कम एक वीडियो कॉन्टेंट मिलेगा ना तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे डालें। तो इस पर बस इतना रखता हूँ, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।